केएल राहुल अब तक वर्ल्ड कप में फॉर्म तलाश रहे थे, लोग बाहर करने की मांग कर रहे थे क्योंकि केएल का बल्ला शांत था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था और रन आ नहीं रहे थे। लेकिन कप्तान और कोच को अपने हीरे पर भरोसा था, केएल की ताकत का पूरा अंदाजा था। उसी भरोसे पर खड़े उतरे केएल राहुल ने बांग्लादेशियों की धुनाई कर दी। क्या ये उस बात का असर था जो दिन पहले कोच राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में बोली थी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि फॉर्म में वापसी करने वाले केएल राहुल ने बांग्लादेशियों के खिलाफ क्या शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ धीमी और सधी हुई शुरुआत की थी, अच्छी गेंदों को वो सम्मान दे रहे थे, लेकिन तस्कीन अहमद और उनके बाकी बॉलर्स को ये अंदाजा नहीं था कि ये तूफान से पहले की शांति है। लेकिन तीन ओवर के बाद जब केएल ने छक्का लगाया तो शाकिब को अंदाजा हो गया कि कल उन्होंने गलत बयान दे दिया था। इसके बाद तो केएल राहुल ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की क्लास लगा दी। उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 34 से ज्यादा छक्के लगाए। केएल राहुल ने अपनी पारी में 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। केएल राहुल की ये पारी कैसी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि केएल राहुल ने जब यॉर्कर लेंथ की गेंद को खोद कर निकाला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा तो कोहली ने हैरानी भरा ऐसा रिएक्शन दिया जो वायरल हो गया। दरअसल एक दिन पहले ही कोच राहुल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए साफ कर दिया था कि भले ही केएल राहुल फॉर्म में ना हो लेकिन वो टीम से बाहर नहीं होंगे। उन्होंने कहा था, मेरे और रोहित शर्मा में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हमारे लिए कौन ओपन करेगा हमें पता है। केएल राहुल कितना प्रभाव डाल सकते हैं, केएल राहुल एक शानदार खिलाड़ी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि वो दमदार वापसी करेंगे। इसी तरह की कंडीशन दुनिया भर के ओपनर्स के लिए चिंता का विषय रही है। कोच की इसी भरोसे को लेकर केएल राहुल आज मैदान पर उतरे थे और कुछ करके दिखाने का ठान कराए थे। विराट कोहली के बाद अब केएल राहुल का फॉर्म में आना नॉकआउट मुकाबले से पहले टीम और कप्तान के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी तबाही मचा रहे हैं। अब सेमीफाइनल और फाइनल के लिए टीम इंडिया चाहेगी कि उनके कप्तान रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि रोहित का बल्ला इस वर्ल्ड कप में अभी तक शांत रहा है। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 150 जरूर लगाई है, लेकिन उसमें भी उनके कई कैच छूटे थे, वो सहज नजर नहीं आए थे। बांग्लादेश के खिलाफ भी रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस गायब दिखा, लेकिन केएल राहुल ने शॉट्स लगाए और पारी खेली। वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफ्रीका की टीमों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में अगर केएल का बल्ला चला तो हल्ला मचेगा जो इन टीमों के लिए नॉकआउट में खौफ की तरह होगा। बस आप दुआ कीजिए कि राहुल तब तक फॉर्म में ऐसे ही रहें और रोहित भी जरा फॉर्म दिखाएं ताकि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर आए।